किसी के अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा लगना तो अभी बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैं अपने चैनल में इतना सारा वीडियो डाल चुकी हूँ जो सब फ्रेंड्स आपके स्किन को लगभग लगभग 10 साल तो कम कर ही देता है। आपके स्किन का जो भी उम्र हो उस उम्र से आपको और भी 10 साल कम दिखाता है। और आप लगातार मेरे हर वीडियो को देखते होंगे तो फ्रेंड्स हम मैं जब भी एंटी एजिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ वो अपने फेस में लगा के इंस्टेंट रिजल्ट दिखाती हूँ। तो इंस्टेंट ये आप जब लगाते हो उसके बाद आप जब इसे रिमूव कर डालते हो उसके तुरंत बाद ही आपकी स्किन लगभग लगभग 7 दिन से 1 महीना छोटा तो लगता ही है। मतलब 1 महीने का 30 दिन का आपके स्किन पीछे चला जाता है, आपकी स्किन फिर से टाइट लगने लगता है, आपके स्किन में ग्लो आ जाता है। इंस्टेंट ये करता है और इसे आप कंटिन्यू लगाते जाते हो तो फ्रेंड्स आप फिर से जवान होते जाते हो, आपके स्किन टाइट बनते जाता है, आपके स्किन ग्लो करते जाता है, आपकी स्किन का दाग धब्बा मिटते जाता है। उम्र बढ़ने का जितने भी लक्षण है जैसे कि लिंग खिलाना, फिकल्स पड़ना, फेस में छाइया होना, धूप से बना हुआ जो भी उम्र बढ़ने का लक्षण होता है जैसे कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिश, ये सब धूप से बनते बनते हम लोग के फेस में उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है और फेस में एक कालापन आ जाता है, तो इन सभी को मिटा देता है। फ्रेंड्स अभी मैं जो आज आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी बहुत ही ईजी रेमेडी है, इसे आप लगातार यूज़ करोगे तो फ्रेंड्स आपकी उम्र जितने भी हो, आपके उम्र अभी 60 ईयर है तो फ्रेंड्स आप 35 साल के लगोगे, 10-15 साल तो ऐसे ही कम हो जाएगा और किसी किसी को फ्रेंड्स 20-25 साल भी कम दिखता है अपने स्किन का उम्र, जो भी उनके उम्र है उससे भी कम दिखता है। जब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ऐसा कोई लेडीज़ जिनकी उम्र 35 साल लग रहा है हमें और जब जानते हैं क्या ना उनके उम्र 50 साल या 55 या 60 ईयर हो चुका है तब हम लोग सोचते हैं क्या करती है वो, तो यही ना, तो क्या करना चाहिए और क्या करती है, उनमें से एक नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स ऐसे तो मैं मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो डाल चुकी हूँ, उन सभी को आप फॉलो कर सकते हो, सभी की स्किन में सब कुछ सूट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, जो भी आपको सूट करते हो आप इस्तेमाल जरूर करो। और आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये टिप्स फ्रेंड्स आशा करती हूँ हर किसी की स्किन के लिए सूटेबल होगा। ये टिप्स बहुत इजी भी है, इसे बनाना भी इजी है, इसका लिए मैंने जो भी लिया है ये सब चीज़ फ्रेंड्स आपको घर पे ही बैठे मिल जाता है, तो ये रेमेडी बहुत ही ईजीली आप बना सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसका बेनिफिट और भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी से आपकी स्किन को टाइट बनाता है, आपकी स्किन का रिंकल को मिटाता है, आपके स्किन में ग्लो ला देता है, दाग धब्बे को मिटाता है, तो बहुत बहुत असरदार है। जैसे मैं बनाऊंगी इसे ऐसे ही आपको बना लेना है, उसके तुरंत बाद मैं जैसे इसे लगाती हूँ ऐसे आपको फॉलो करके लगाना है तो फ्रेंड्स आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं एक दिन लगा कर आपको दिखाऊंगी और इसका इंस्टेंट रिजल्ट देख के आपको अच्छा लगा तो घर पर जरूर ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा बात नहीं करते हुए, तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं उसके तुरंत बाद आप इसे देख पाओ। तो इसके वजह से आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल बटन को भी क्लिक करना है और बेल बटन क्लिक करने से फ्रेंड्स मैं वीडियो अपलोड जब भी करूँगी उसके तुरंत बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप मेरे हर वीडियो को देख पाओगे और उसको इन्जॉय भी कर पाओगे, उसका बेनिफिट ले भी पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स पहले मैं जो ले रही हूँ वो है फ्रेंड्स फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड को आप अपने घर पे सूखा रहते हुए जब सूखा है तभी आप उसे ग्राइंडर में पीस के ऐसे पाउडर बना ले। 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर ले। फ्लैक्सीड बहुत बहुत असरदार होता है स्किन के लिए। इसमें फ्रेंड्स आपको देना है 2 चम्मच मिल्क। पहले 1 चम्मच मिल्क आपको जोड़ना है, उसके बाद इसे मिक्स करना है। फ्रेंड्स मिल्क भी बहुत अच्छा रहता है एंटी एजिंग के लिए। एंटी एजिंग के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें जो भी डालूंगी सब कुछ एंटी एजिंग के लिए बहुत बहुत असरदार होता है। मैं इसके बाद इसमें 1 चम्मच लेमन का जूस डाल रही हूँ। फ्रेंड्स लेमन का जूस भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन को जवान करने के लिए हेल्प करता है, उसके साथ ही साथ स्किन को फेयर बनाने के लिए, स्किन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए भी हेल्प करता है। तो इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 चम्मच दूध मैं इसमें मिक्स करूँगी। मिल्क
बहुत बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, ये आपके स्किन का कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन में मॉइस्चर दिलाता है, स्किन का रिंकेल को रिमूव करता है, स्किन को टाइट बनाता है, स्किन को फेयर बनाने के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है एक विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड। फ्रेंड्स विटामिन ई का कमी है से भी हम लोगों के स्किन में बुढ़ापे का सभी लक्षण आ जाता है, उन सभी को मिटाने के लिए हम लोग रिटर्न इसमें विटामिन ई डालेंगे। तो हम लोग लेंगे एक विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड, इसमें जोड़ देंगे। फ्रेंड्स विटामिन ई हम लोग स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने के लिए हेल्प करेगा, आपके स्किन में जो भी रिंकल है, फाइन लाइंस है, उसे मिटाने के लिए हेल्प करेगा, और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स स्किन को टाइट भी बनाएगा। और फ्रेंड्स विटामिन ई की कमियाँ से हम लोग के स्किन में डलनेस आ जाता है, उम्र बढ़ने के सभी लक्षण देखे जाते हैं, तो उन सभी को ये क्योर करके आपको फिर से जवान बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो थोड़ा बहुत मेरा ये बाहर गिर गया था तो मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि विटामिन ई फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेस पैक के लिए। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा पैक बन चुका है, और ये पैक अभी कैसे लगाना है और इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है, चलिए एक बार मैं अपने फेस पे लगा के आपको दिखा देती हूँ, और उसके साथ ही साथ में मैंने जो भी जोड़ा है उन सभी का बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, तो मैं ये आ चुकी हूँ, अभी मैं अपने फेस में ये पैक लगाऊँगी। तो उससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसके बाद ही फेस पैक, कोई भी फेस पैक आप जब लगाते हो तब लगा, उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं पानी से अपने फेस को अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद ही इसे लगाऊँगी। पानी से धोने से पहले आपके फेस में कोई कॉस्मेटिक वगैरह या फ्रेंड्स आपने मेकअप वगैरह किए हो तो उसे अच्छे से रिमूव करो, और उसके बाद ही अच्छे से फेस को धो लो, और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से धो लो, और धोने के बाद फिर इस फेस पैक को आपको लगाना है। तो फेस पैक जैसे कि हम लोग लगाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, आपको इसे खींच खींच के अप्लाई करना है, क्योंकि फ्रेंड्स फेस पैक ऊपर की तरफ आप खींच खींच के अप्लाई करोगे तभी ये टाइट आपकी स्किन को करेगा। तो मैं उंगली की मदद से इसे लगा रही हूँ, ऐसे आपको इसे लगा लेना है फुल फेस में। फ्रेंड्स हम लोग इसमें डाले थे फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 रहता है, और रहता है कोलेजन बूस्ट करने वाला बहुत सारा तत्व जो आपके स्किन को फिर से जवान बनाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ फ्रेंड्स हम लोगों के फेस का कोलेजन कम होने लगता है, स्किन में प्रोडक्शन कम होने लगता है कोलेजन का, जिससे वजह से हम लोग के स्किन डल होने लगते हैं, स्किन में झुर्रियाँ आने लगता है, स्किन का ग्लो होने लगता है, स्किन लूज होने लगता है। सब कुछ फ्रेंड्स रिटर्न लाने के लिए फ्लैक्स सीड में बहुत सारा ऐसा तत्व रहता है जिससे हम लोग के स्किन जवान बनते हैं, स्किन टाइट बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें फ्लैक्स सीड जोड़े हैं, और फ्लैक्स सीड के साथ हम लोग मिल्क जोड़े हैं। मिल्क में भी बहुत सारे एंटी एजिंग तत्व रहता है, जिसके वजह से फ्रेंड्स क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है वो तो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स उसके साथ हम लोग जोड़े थे लेमन का जूस। लेमन का जूस फ्रेंड्स आपकी स्किन का सभी किस्म का दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को फिर से जवान बनाएगा, क्योंकि विटामिन सी का कमियाँ से भी फ्रेंड्स उम्र बढ़ने का लक्षण आता है, और विटामिन सी फ्रेंड्स हम लोगों के स्किन को फिर से जवान बनाने के लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये लगा लिया है, और अभी मैं इसे रखूँगी, जब तक नहीं फुल ड्राई हो तब तक आपको इसको फेस में लगा हुआ रखना है, कम से कम 20 मिनट तो आपको इसे रखना ही है ऐसे लगा के, और हफ्ते में 3 से 4 दिन इसे ज़रूर लगाए। तो अभी मैं इसे रख दूँगी, और धोने से पहले कैसे आपको धोना है तो चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये 20 मिनट रखने के बाद आपको पैक को ऐसे गीला कर लेना है, अच्छे से पानी के साथ अपने फेस को गीला कर लेना है, ताकि पैक फिर से नॉर्मल सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फ्रेंड्स चम्मच की मदद से आपको इसको पहले नीचे से ऊपर की तरफ खींच खींच के ऐसे रिमूव करना है, अच्छे से गीला करने के बाद ही आपको ऐसे रिमूव करना है, हल्का हल्का रिमूव करते जाना है, और उसके बाद रनिंग वाटर से धोना है। और जब भी आप रिमूव करोगे या पैक लगाओगे याद रखो नीचे से ऊपर की तरफ ही खींच खींच के करना है। देखिए मैं रिमूव करती जा रही हूँ और मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है और कितना ब्राइट बना है। देखिए मेरे फेस में रिंकल तो एक भी नहीं दिख रहा है, और स्किन बहुत टाइट भी बन चुका है। तो मैं अच्छे से इसे रिमूव करूँगी, और रिमूव करने के बाद धो के भी आपको दिखाऊंगी। देखिए जहाँ जहाँ से ये रिमूव हो रहा है वहाँ की स्किन कितना बेबी सॉफ्ट बन चुका है, स्किन का दाग धब्बे हल्के लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा असरदार ये रेमेडी है। फ्रेंड्स इसे आप लगातार इस्तेमाल करते हो तो फ्रेंड्स 10 से 15 साल नहीं 20 से 25 साल आप कम दुखोगे, आपकी उम्र से भी
जो भी आपकी उम्र हो उससे 20 से 25 साल आपके उम्र कम दिखेंगे। देखिए मैं स्किन अभी का अभी कितना टाइट लग रहा है, तो चलिए अभी एक बार पानी से धो के भी आपको दिखा देती हूँ मैं इसे। तो ये देखिए मैं अभी अपने फेस को पानी से धो रही हूँ। अच्छे से पानी से धो लो और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने फेस को एक बार पोंछ भी लेना, तो देखना आपकी स्किन कितना टाइट लगेंगे। जब भी आप फेस पैक लगाओगे ना तभी आपकी स्किन खींचेंगे, टाइटनेस का फीलिंग आएगा। और आप जब इसे धो डालोगे उसके बाद भी ये जो खींचापन टाइटनेस का जो फीलिंग वो रह जाएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें हम लोग विटामिन ई जोड़े थे और दूध जोड़े थे, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और बेबी सॉफ्ट बन जाएगा। और गोरे लगोगे फ्रेंड्स आप भी विटामिन सी के वजह से, मतलब लेमन के वजह से, तो आपकी स्किन का दाग धब्बे बहुत हल्का लगने लगेंगे। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन इसे जरूर इस्तेमाल करना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसे लगातार इस्तेमाल करते करते फ्रेंड्स आप इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या आप हैरान हो जाओगे। सभी लोग पूछेंगे आप क्या लगाते हो, तो देखो फ्रेंड्स मेरे फेस से कितना ग्लो आ रहा है। तो देखिए ऐसा ग्लो और टाइट क्रिस्टल क्लियर स्किन चाहते हो, कोई भी रिंकल ना आ रहे आपके फेस में तो चाहते हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी को अच्छा से वीडियो टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।